Students, subscribe and press the bell icon to never miss an update from 2IITians. To attend live video classes on Lines and Angle, kindly contact on this number. In figure 6.30, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular on CD and angle GED equals to 126 degrees, find angle AGE, GEF or FGE. फिगर आप देख ही रहे हो, गिवन भी आप देख रहे हो, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, राइट? फिगर आप देख सकते हो, एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। टू फाइंड, पहला है एंगल ए जी ई, उसके बाद एंगल जी ई एफ और फिर एंगल एफ जी ई। एंगल ए जी ई जो हमारा है वो एंगल जी ई डी के बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिगर में आप दोनों एंगल्स देख सकते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला एंगल होता है। अब एंगल जी ई डी हम लोगों को पता है क्या है, 126 डिग्री के बराबर है। तो यहां से एंगल ए जी क्या आ जाएगा, 126 डिग्री। ये हमारा आ गया, ठीक है, एंगल ए जी आ गया हमारा। अब दूसरा है जी ई एफ, तो जी ई एफ कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई डी, सॉरी एफ ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, क्योंकि लाइन ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, राइट? अब एंगल एफ ई डी और जी ई एफ हमारे पास है, एफ ई डी आप देख सकते हो 90 डिग्री है, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, एफ ई डी हमारी 90 डिग्री हो गई और ये 126 डिग्री है और जी ई एफ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहां से एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ 36 डिग्री हो गया। अब लास्ट है हमारा एफ जी ई, एफ जी। अब ए जी ई और जी ई डी एंगल इक्वल है ऑल्टरनेटिव एंगल के उसमें, तो यहां पे देखते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ए जी हमारे पास है 126 डिग्रीज प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई यहां से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्रीज, एंगल एफ जी ई होगा 54 डिग्री। तो एफ जी ई भी आ गया हमारा, नोट कर लीजिए।